आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइडिया के टोरिनो WQ P12 520 1F डिशवाशर के बारे में। इसको मैंने खरीदा था लगभग 6 महीने पहले और अभी मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। हम ये भी बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के डिशवाशर को लेने से पहले क्या वो बातें हैं जो आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में अपना फीडबैक नीचे कमेंट जरूर करें। तो विदाउट फर्दर टाइम को वेस्ट किए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हे लवली पीपल, दिस इज शौनित निशान एंड वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। जैसा कि मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माइडिया के टोरिनो 13 प्लस डिशवाशर के बारे में। ऑलमोस्ट 6 मंथ बैक जब ये डिशवाशर मैंने लिया था, मैंने इसका अनबॉक्सिंग शूट किया था, तो पहले उसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 स्ट्रैप लगा हुआ है, तो उसको रिमूव करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके के बॉक्स में ये आपको डिलीवर हुआ है मेरे घर पे, इसको हम क्विकली रिमूव कर लेते हैं इसके स्ट्रैप को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को, और उसके बाद इजीली यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हो, ये काटन है इसका, सो ऊपर से निकल जाएगा। ऊपर से जो डिशवाशर का ब्रांड पैकेजिंग है वही यहाँ पे देखने को मिल रहा था। कोई अमेजोन का जो ऊपर से एक्स्ट्रा पैकेज होता है वो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला था। और जो होम अप्लायंसेज होते हैं, बड़े प्रोडक्ट होते हैं, उनका डिलीवर करने के लिए एक अलग ही उन लोगों का सर्विस है जो कि बड़े किसी व्हीकल से आके और आपको डिलीवर दे जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो बॉक्स है वो निकल जाता है ऊपर की तरफ से, और इस तरीके से चारों तरफ से फोम का कुशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और इसको फिलहाल हम साइड कर देते हैं, और यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हो प्लास्टिक से रैप्ड अप है, तो प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं ताकि, और ये फोमी प्लास्टिक है जिससे कि स्क्रैच वगैरह उस पर आपको देखने को ना मिले। पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम किया गया है। माइडिया एक कंपनी न्यू जरूर है, लेकिन पैकेजिंग से आपको ये ऐसा लगता नहीं है कि एक न्यू ब्रांड है होम अप्लायंस के दुनिया में। हालांकि करियर के साथ इनका टाई अप है और करियर एयर कंडीशन के मार्केट में काफ़ी ही एस्टेब्लिश्ड है, लो कॉस्ट मार्केट में। बैक में चेक कर लेते हैं कि कुछ रिमूव वगैरह करना है या क्या करना है। इस तरीके से आगे से पुल करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद जो इसका ट्रे वगैरह है उस पर भी एक प्लास्टिक लगा हुआ है जैसे कि आप देख भी सकते हो, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपको रिमूव हो जाता है, और उसके अंदर ही सारे आपको ट्रे, उसके बाद रेंज वगैरह देखने को जो मिलता है, मैनुअल बुक, उसके बाद बाकी जितने भी स्टफ्स होते हैं जो एसेसरी जिसमें आपको होते हैं, वो सारे इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एडजस्ट किया गया है जैसा कि आप देख भी सकते हो, सारे चीज़ों को यहाँ पे 1x1 करके और रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा फोम का यूज किया गया है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आए, कटलरी ट्रे से लेके और सब कुछ आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख भी सकते हो। इस तरीके से ये ट्रे जो है सो रिमूव हो जाता है काफ़ी ईजिली, और ये एक व्हील पे है कि आराम से आपको आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इवन आप इसको खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके साइज को। अब अगर हम बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो फ्रंट में आपको इसका कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको 7 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इको मोड है जो 225 मिनट मीन्स कि 225 मिनट का वक्त लेता है, और सबसे छोटा इसमें जो मोड है उसका नाम है सोक मोड, और ये आपको 15 मिनट का वक्त लेता है, और ये बस प्री वॉश के लिए यूज किया जाता है। मीन्स कि जो सबसे जो स्मॉल मोड है वो आपको प्री वॉश सिर्फ करता है, और सबसे जो इसका स्टैंडर्ड मोड है जो जनरली लोग यूज करते हैं उसको इंटेंसिव मोड करके इसमें बोला जाता है, जो कि आपको 170 मिनट्स का वक्त लेता है, और ये आपको 17.5 लीटर वाटर कंज्यूम कर लेती है। डिशवाशर के लेफ्ट और राइट साइड में प्लेन डिज़ाइन का यूज किया गया है,
और वहीं अगर हम बात करें इसके बैक साइड के, तो यहाँ पे दो आपको इनलेट और आउटलेट पाइप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि इनलेट आपको 3x4 inch का आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको ट्रे अगर आप निकाल देते हैं तो इस तरीके का लुक देखने को मिल जाता है, और अगर आप इसमें यूटेंसिल्स को यूज करते हैं तो इस तरीके का कुछ लुक उसमें देखने को आपको मिलता है। हालांकि मैंने काफ़ी कम यूटेंसिल अभी रखा है, आप इससे ज़्यादा इसमें रख सकते हैं। माइडिया के इस डिशवाशर में आपको 13 प्लेस स्पेस देखने को मिल जाता है। बेसिकली 13 प्लेस का मतलब हुआ कि आप इसमें एक बार में 13 सेट क्रॉकरी को डाल सकते हैं। जनरली एक स्मॉल फैमिली के लिए 12 प्लेस डिशवाशर को यूज किया जाता है, लेकिन इस ब्रांड ने उसको 13 प्लेस कर दिया है। अभी तक का पर्सनल यूज के लिए सबसे बड़ा डिशवाशर 15 प्लेस में आता है, मतलब कि 15 प्लेस में आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मली देखा गया है कि 14 टू 15 प्लेस का जो डिशवाशर होता है वो 4 प्लस फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें 12 या 13 प्लेस डिशवाशर की, तो ये आपको 3 से 4 लोगों की अगर फैमिली होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। और डिशवाशर में जो सबसे छोटा इसका वेरिएंट आता है, जो कि 8 प्लेस का होता है, वो जनरली 2 फैमिली मेम्बर्स जिनके घर में होते हैं वो लोग यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें इस डिशवाशर की, सबसे पहला जो मैंने प्रोज रखा है वो रखा है लो कॉस्ट। मीडिया के डिशवाशर का कॉस्ट आपको बाकी डिशवाशर के कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने को मिल जाता है, और वो भी एक एक्स्ट्रा प्लेस ऑप्शन के साथ। वहीं अगर हम बात करें जब इसके दूसरे प्रोज की, तो यहाँ पे आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ही प्रीमियम है। लो कॉस्ट होने के बाद भी माइडिया के डिशवाशर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है। मैंने परचेज करने के समय IFB और बोस के डिशवाशर का भी बिल्ड देखा था, और इंटरेस्टिंगली बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सिमिलियर है माइडिया का टॉप ब्रांड के कंपेरिजन में। साथ में आपको इसमें एडजस्टेबल ट्रे देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आप इजिली इसमें बड़े जो बर्तन होते हैं, जो इंडियन स्पेशली किचन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होते हैं, वो भी इसमें फिट हो जाता है। इसमें जो मैंने तीसरा इसका प्रोज रखा है वो है हाफ लोड फंक्शन। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा यूटेंसिल्स नहीं होते हैं, और अगर हम कम यूटेंसिल को डिशवाशर में डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम, वाटर और एनर्जी वेस्ट करता है। लेकिन हाफ लोड फंक्शन होने के कारण ये आपको हेल्प कर देता है इन सिचुएशंस में। चौथा जो इसमें मैंने इसका प्रोज रखा है वो है सेल्फ क्लीनिंग एंड चाइल्ड लॉक। इस तरह के वॉशिंग डिवाइस में उसका सेल्फ मेंटेनेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर वो खुद ही क्लीन नहीं होगा तो क्या ही आपके वॉशिंग डिजायर को फुलफिल करेगा। लेकिन इस डिशवाशर में आपको 50 मिनट्स का एक ईजी सेल्फ क्लीन मूव देखने को मिल जाता है। वही अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो इस डिवाइस में आपको चाइल्ड लॉक का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है, और ये फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। इसमें जो मैंने पांचवा प्रोज रखा है वो है इसका गुड सर्विस नेटवर्क। माइडिया इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कोई बहुत पुराना ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर भी माइडिया का सर्विस नेटवर्क ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में अवेलेबल है। एक्चुअली इंडिया में माइडिया ने कैरियर के साथ टाई अप कर रखा है, और कैरियर एयर कंडीशन में इस्टेब्लिश ब्रांड है, और कैरियर के कारण आपको इसका अच्छा सर्विस नेटवर्क देखने को मिल जाता है। और इसमें लास्ट मैंने जो प्रोज रखा है वो है इजी रिटर्न एंड EMI। माइडिया के डिशवाशर, या यूँ कहें कि माइडिया कंपनी के साथ, मुझे सबसे सही ये लगा कि हमेशा इनके प्रोडक्ट के साथ नो क्वेश्चन रिटर्न विंडो का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसके कारण आप इनके प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको किसी भी कारण से इनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो। और साथ में इनके प्रोडक्ट पर हमेशा आपको नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी देखने को मिल जाता है, और वो भी लॉन्ग टेन्योर के साथ। तो ये सब था इनका माइडिया के डिशवाशर का प्रोज पार्ट। अब अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, तो कॉन्स में मैंने 6 पॉइंट बना रखा है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला जो मैंने इसका कॉन रखा और सबसे बड़ा जो मुझे इसका कॉन लगा वो है नो रिज्यूम फीचर। माइडिया के डिशवाशर का सबसे बड़ा मुझे कॉन यही लगा कि ये डिशवाशर टाइम को रिज्यूम नहीं करता है। लेट्स एज्यूम कि आपने 60 मिनट्स का कोई साइकिल लगाया है और 10 मिनट्स चलने के बाद पावर कट हो गई, तो ये 50 मिनट से रिज्यूम नहीं करेगा, वापस 60 से साइकिल ऑन हो जाएगा।
और ये कंप्लीट इस डिशवाशर को सरदर्द बना देता है अगर आपके एरिया में पावर कट का इशू है तो। सेकंड जो मैंने इसमें कॉन रखा है वो है लेस स्प्रे आर्म। इस डिशवाशर में आपको दो आर्म देखने को मिलता है। वैसे तो आपको ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब आप ऐसे यूटेंसिल यूज करते हो जिसमें कि एज हो तो वहाँ पर कभी कभी आपको व्हाइट स्टेन्स देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं। इसमें जो मैंने तीसरा कॉर्न रखा है वो है इसका साइकिल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें जो आपको वॉश साइकिल्स है वो काफ़ी लंबा है। अगर आप क्विक वॉश को भी यूज करते हैं तो वो आपको 90 मिनट्स का वक्त लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो मैंने फोर्थ कॉर्न रखा है वो है इसका रैपिड मोड। हालांकि इस डिशवाशर में आपको 30 मिनट्स के एक रैपिड मोड देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको ड्राइंग देखने को नहीं मिलता है, और रैपिड मोड का क्लीनिंग भी मुझे कोई खास नहीं लगा था। इसमें जो मैंने फिफ्थ कॉर्न रखा है वो है ये इन्वर्टर के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। इस तरह के हेवी अप्लायंसेस नॉर्मली लोग इन्वर्टर पर नहीं चलाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरत आ जाती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की तो वो भी इन्वर्टर कंपेटिबल नहीं होते हैं, लेकिन हीटर को बंद करके हम उसे ईजिली इन्वर्टर पर चला सकते हैं। लेकिन डिशवाशर के केस में ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये आपको एबव 2000 वाट पावर कंज्यूम करती है और इसका सारा वॉशिंग हॉट वाटर से होता है, और यहाँ पे आपको हॉट वाटर को बंद करने के या उसके बिना यूज करने का कोई ऑप्शन इस डिशवाशर में तो एटलीस्ट नहीं दिया गया। हालांकि मैंने IFB वगैरह का भी डिशवाशर देखा था, उसमें भी ये देखने को नहीं मिला था। तो जब भी फ्यूचर में आता है तो काफ़ी ज़्यादा ये सही चीज़ होगी। वहीं इसका जो लास्ट मैंने कॉन रखा है वो है इसका जो इनलेट पाइप है वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। वॉशिंग मशीन की तरह आप इसको ईजिली किसी टैप से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से एक 1x2 इंच टू 3x4 इंच सॉकेट लेना होता है, या आप उसको यूँ कह लें कि आपको 1/2 इंच से 3x4 इंच का एक कनेक्टर लेना होता है अलग से, और वो ईजिली मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि डिशवाशर का जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है Tier 3 और Tier 2 सिटीज में, जिसके कारण काफ़ी लोग इसको डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, जो पर्सनली मुझे देखने में काफ़ी ऑड लगती है। तो आप डिशवाशर परचेज करने के साथ ये कनेक्टर भी परचेज कर ले। मैंने प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये सब तो हो गए इस डिशवाशर के प्रोज एंड कॉन्स। अब अगर बात करें मेरे ओपिनियन की कि ये डिशवाशर आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको ये डिशवाशर सिर्फ उसी केस में रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट 30,000 से नीचे है और आपके एरिया में पावर कट का कोई इशू नहीं है। हालांकि सर्विस की मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि अभी डिशवाशर का सेल्स बूम नहीं हुआ है और माइडिया एक नई कंपनी है, सो पार्ट्स अवेलेबिलिटी में थोड़ा पीछे रहेगा ये IFB वगैरह के तुलना में। हालांकि मैंने ऊपर में बताया था इसका सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि सर्विस नेटवर्क इनका सही है, लेकिन ये थोड़ा वक्त लेंगे अगर कोई पार्ट्स आपके मशीन का ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स कम होता है तो वहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चरिंग होता है पार्ट्स का वो थोड़ा किसी भी कंपनी के साथ कम देखने को मिलता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि इस डिशवाशर के साथ मेरा ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। वेल, ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डिशवाशर के साथ, अगर आपने कभी डिशवाशर यूज किया है तो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। और अगर आप डिशवाशर परचेज करने की सोच रहे हैं तो कुछ बेस्ट डिशवाशर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं मेरे आने वाले किसी नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन, गुड बाय।